सतुरी दशक देश में आरंभ है श्वेत विप्लव बा व्हाइट रिवॉल्यूशन। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में देश को स्वावलंबी करने आरंभ हो विप्लव को सेतबेले कहुला ऑपरेशन फ्लड। यार रिजल्ट आज दिन में विश्वर एक नंबर दुग्ध उत्पादनकारी देश है भारत। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र बा डायरी सेक्टर यह आम आगे उपस्थापित करी फाइनेंशियल इंक्लूजन रो एक बड़ मॉडल। ग्राम अर्थनीति को यह दे एक नुआ दिशा एवं आत्मनिर्भरशील होबार एक उदाहरण आम आगे उपस्थापित करी। आज मेक इन ओडिशा स्पेशल आम देखा राज्य में डायरी सेक्टर। डायरी सेक्टर रूराल इंडिया रु अर्बन इंडिया एहारो वैल्यू चेन रे जुड़ी होती लक्ष लक्ष चाषी महिला और युवक। ग्लोबलाइज्ड मार्केट सह तालदेई बढ़ी एही सेक्टर। अर्बानाइजेशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल रे फूड कॉन्शियसनेस बूस्ट आनी डायरी सेक्टर रे। आज देश में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड डायरी मार्केट पहुंची प्राय 4 लाख कोटी रे। एथिरे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट रो शेयर 80,000 कोटी रु अधिक। एथिरे पैकेट टोन मिल्क रो बजार हेबो प्राय 36,000 कोटी रो। डायरी सेगमेंट रे प्रोडक्ट रेंज बढ़ी क्षीर दही लसी घी पनीर सह जोड़ी होई आइसक्रीम चीज और हेल्थ ड्रिंक्स। डिमांड बढ़ी कोऑपरेटिव रा डोमिनेंस थिबा एही क्षेत्र रे एबे प्रवेश करिछंती नुआ नुआ उद्योगी। जदि आम राज्य ओडिशा कथा देखिबा राज्य रे डेरी सेक्टर प्राय 8,000 कोटी रु अधिक हेबो। एथिरे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट रा शेयर प्राय 1,300 कोटी रो। राज्य रे ऑर्गेनाइज्ड डेरी मार्केट आरंभ हुए 1980 दशक रे फ्रॉड प्रोग्राम 2 रे आरंभ होइथिबा ओमफेड कोऑपरेटिव संस्थारु। आज दिन में ओमफेड सह जोड़ी होइछंती 3 लाख चाषी दिनक 4,50,000 लीटर क्षीर ओमफेड संग्रह करिबा सह प्रोसेस करूछि। राज्य डेरी मार्केट रा 60% शेयर होउछि ओमफेड रो। टोन मिल्क सह ओमफेड आज दिन में प्रस्तुत करूछि 14 टी प्रोडक्ट। ओमफेड रा दैनिक दुग्ध उत्पादन क्षमता रहिछि 5,50,000 लीटर। तेबे दुग्ध रा उत्पादन बढ़िबा सह एहार बढ़ुथिबा मार्केट को देखि आगामी 3 रु 4 वर्ष मध्यरे ओमफेड एहार दैनिक उत्पादन क्षमता को प्राय 12 लाख लीटर को बढ़ाइबाकु योजना रखिछि। नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड सहायतारे ओमफेड प्रतिष्ठा करूछि कटक जिला अरिलो ठारे दैनिक 5 लाख लीटर उत्पादन क्षमता रखुथिबा डेरी प्लांट। सोनपुर रे बनाउछि 50,000 लीटर क्षमता विशिष्ट प्लांट। एहा सह कटक जिला अड़सपुर रे बनुछि प्रथम यूएसटी मिल्क प्लांट। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ रे काम करुथिबा एमपीको नामक संस्था एही प्लांट बनाइबो ओ एठारु दैनिक 1 लाख लीटर यूएसडी मिल्क उत्पादन करा जिबो। एही प्रोसेस मिल्क को 90 दिन पर्यंत स्टोर रखा जिबा सह व्यवहार करिहेबो। आमर जेतिकी डिमांड अछि डिमांड होउछि कारण मिल्क तो बहुत दूर पर्यंत ट्रांसपोर्ट करिहेबो नै कारण यार लाइफ होउछि 48 घंटा रहउछि इवन प्रोसेसिंग कला परे भी द्वितीय कोल्ड चेन भी गोटे मेंटेन हवा दरकार तेणु आमर लिमिटेशन ऑफ ये रहउछि एटा बहुत डीप मार्केट को एटा जाई परिबो नै। तबे आमे जदि अलगा मिल्क करि पाइबा धरंतु यूएसटी मिल्क करि पाइबा ताहाले आमे माने एम्बिएंट टेम्परेचर रे आमे ताकु पठे पारिबा एवं ता लाइफ मध्य 3 मास रु 6 मास पर्यंत रहइबो। आमे मध्य एमपी कॉन बोली गोटे मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ रो गोटे ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि इपिकल भाया इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ता सहित मध्य आमे एमओ करछु जे कि लक्षे लीटर रो गोटे यूएसटी प्लांट करिवो यहसह क्षीर उत्पादन बढ़ावा चाषीों पर उमफेड बनाई स्वतंत्र फिडिंग और ब्रीडिंग प्लान। ब्रीड इम्प्रुवमेंट आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन एवं फिड इम्प्रुवमेंट जो कैटल फिड मिनरल मिक्सचर रेसन बैलेंसिंग यही जिन गुड़िक अच्छी जो मानते जोड़ाक अलग स्टेट प्राक्टिस करुड़ाक राज्य में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अन्य अग्रणी संस्था मध्य रही प्रगति मिल्क मिल्क मंत्रपरी कंपनी। कटक जगतपुर रही प्रगति मिल्क रो दिनक 3 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन क्षमता विशिष्ट प्लांट। एठारु दिनक प्राय 2 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन होउछि। 1400 एजेंट मानक नेटवर्क द्वारा प्राय 1 लाख चाषी दुग्ध संग्रह करुछि कंपनी। टोन मिल्क सह वैल्यू एडेड गोल्ड मिल्क आइसक्रीम लस्सी बटर मिल्क फ्लेवर्ड मिल्क प्रस्तुत करुछि प्रगति मिल्क। प्रगति होउछि ओडिसा रो फास्ट लार्जेस्ट प्राइवेट डेयरी। आम प्लांट कैपेसिटी अछि 3 लाख लीटर। आम एक्सपेक्ट करुछु अनदर 1 ईयर भितर आम 2.5 एक्सपांड जीव। क्वालिटी मेंटेन करिया पे आमर एक्चुअली आमर सोर्सिंग टा बहुत स्ट्रांग। सबुठ बड़ कथा होउछि जे आमर कलेक्शन कोस्टल बेल्ट रु पूरा रहिछि। सबु जगार आम चिलिंग सेन्टर बसैछु एवं आमर चिलिंग सेन्टर फुली ऑटोमेशन। तबे राज्य रे डेरी सेक्टर रे 2012 रे प्रवेश करथिबा मिल्क मंत्र खूब कम दिन रे निजर ब्रांड मिल्की मूर प्रेजेंस बजार रे जाहिर करि परिछि। वैल्यू एडेड मिल्क हल्दी युक्त मिल्क शेक मू शेक पनीर मीठा दही बटर मिल्क ओ लस्सी प्रस्तुत करूछि मिल्क मंत्र। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद मिल्क मंत्र फॉर लास्ट अबाउट 11 मंथ्स बट द वे दे हैव डिफरेंशिएटेड देमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई चेन इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट
distinguishing or differentiating the product versus other products is really unique. And that has helped them to be able to grow the company since inception at a compounded annual growth rate of more than 100%. Puri jila Gop o Sambalpur re rahichi milk mantra ra duiti plant dainik dugdha utpadan khamata rahichi 3 lakh liter ajira dinare milk mantra saha jodi hoichanti 40000 chasi emanako tharu dainik sangrah heuchi pray 1 lakh liter dugdha growth plan re odisha saha chhattisgarh jharkhand west bengal andhra pradesh o bengaluru re nijo market badhaibaku plan rakhichi milk mantra amar jo main focus ଆସି ବାଇ 2020 ଆମେ 1000 ପ୍ଲସ୍ କମ୍ପାନୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାର ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବି ହାଉ ଲେଡି ମେମ୍ବର କେମିତି ଇନକମ୍ ହେବ, ସଷ୍ଟେନ୍ଡ ଇନକମ୍ ହେବ, ମାସକୁ ମାସ ଇନକମ୍ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ନାଁ ବଢ଼ୁଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ବେଙ୍ଗଲରେ, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ଜଷ୍ଟ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଫୋକସ୍ ଅଛି। ଡେରି ସେକ୍ଟରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବଜାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ଦୁଗ୍ଧର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ, ଏହାସହ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି କ୍ୱାଲିଟି ମିଲ୍କ ଏବଂ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇବାର ଅପସନ୍। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଏପିସୋଡ୍ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ପାୱାର ଅଫ୍ ଥଟ୍। 37 ସିଗ୍ନାଲ୍ସର ଫାଉଣ୍ଡର ଜାସନ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ଙ୍କ ମତରେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନଥିଂ ରଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟେଇଂ ସ୍ମଲ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଟିମ୍। ବ୍ୟବସାୟରେ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ହୋଇ ରହିବା କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଛୋଟ ଟିମ୍ରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବେ।